लेकिन बच्चों अभी आप लोग बहुत छोटे हो, आप लोगों से रोजा नहीं रखा जाएगा। नहीं पापा, हम लोग तो रखेंगे। अच्छा ठीक है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ना तो कुछ खाना पीना और रोजा रखने के साथ साथ कुरान की तिलावत करना और नमाजें पढ़ना। ठीक है पापा। भाई अजान हो गई, चलो नमाज पढ़ते हैं। अरे मुझे तो रोजा लगने लगा, एक काम करो तुम लोग पढ़ के आओ नमाज, मैं तो एसी में सोने जा रहा हूँ। और मैं भी। लेकिन पापा ने रोजे के साथ नमाज और कुरान पढ़ने को किया था। नहीं मेरी बस की नहीं है, वैसे भी कौन देख रहा है। इफ्तारी होने में सिर्फ 10 मिनट बाकी है, उससे पहले ये बताओ किस किसने कुरान की तिलावत करी और नमाज पढ़ी। पापा मैंने सारी नमाजें भी पढ़ी और कुरान की तिलावत भी करी। माशाल्लाह। अली और अयान तुमने? पापा वो हम खेल के थक गए थे इसलिए हम सो गए। बड़े अफसोस की बात है, तुम लोगों ने रोजा रखा और नमाज और कुरान की तिलावत नहीं करी। मेरे बच्चों ऐसा रोजा रोजा नहीं बल्कि फाका कहलाता है, और अल्लाह को तुम्हारे ऐसे फाकों वाले रोजों की जरूरत नहीं। अल्लाह को रोजे वही पसंद है जिसमें नमाजें पढ़ी जाए और कुरान की तिलावत करी जाए। सॉरी पापा, आज से हम रोजों के साथ नमाज और कुरान की तिलावत भी करेंगे।